खबर इंदौर से है, जहां आजाद नगर में बारात में फरमाइशी गाना नहीं बजाने की बात पर हुए मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। इस विवाद में मृतक की बुआ का लड़का भी घायल हो गया। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले डीजे की गाड़ी के ड्राइवर और उसके दो भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद आरोपियों के नाम बढ़ाए जाएंगे। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक पवन पुत्र नगर के रहने वाले अनिल चौहान की बारात नई बस्ती पालदा गई थी। बाना निकलने के दौरान हुए विवाद में विनोद पुत्र हरि सिंह चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह देवास के पटाडी गांव की रहने वाले थे। वहीं उसकी बुआ का लड़का मनोज पुत्र हरि सिंह पवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में डीजे के ड्राइवर अस्तु पुत्र सुधीर वर्मा और उसके भाई दीपक और एक 17 साल के नाबालिग पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को रात में हिरासत में ले लिया था। आरोपी नई बस्ती पालदा के रहने वाले हैं। टीआई के मुताबिक मृतक विनोद दूल्हे का चचेरा भाई है। बारात में भीम कश्यप का डीजे लगा था। रात में बारात निकलने के दौरान विनोद ने डीजे की गाड़ी रुकवाकर अपनी पसंद का गाना बजाने को कहा। इस बात पर उसके डीजे के ड्राइवर अस्तु से कहा सुनी हो गई। विनोद ने उसे थप्पड़ मार दिया। बारात में शामिल लोगों ने उसे समझाइश देकर रवाना कर दिया। रात में बारात लगने के बाद अस्तु अपने भाइयों को लेकर वहां आया। उसने यहां विनोद को चाकू मार दिए। बचाव करने आए बुआ के लड़के मनोज पर भी हमला कर दिया। दोनों को एमवा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। विनोद के पिता ठेकेदारी का काम करते हैं। वह खुद पेशे से ड्राइवर था। उसके परिवार के लोगों ने बातचीत में बताया कि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका 1 साल का बेटा और एक बेटी है। रात में शादी के दौरान विनोद की मौत की खबर के बाद मातम छा गया। कई मेहमान डर के चलते रात में ही अपने घर चले आए। कोई विवाद हुआ डीजे वाले को, कोई गाने को फरमाइश को लेके, और इसने विनोद ने उसको चांटा मार दिया जो गाड़ी चला रहा था। ये खत्म हो गया प्रोग्राम, डीजे वाला चला गया। उसके बाद वो कुछ लोगों को लेके, 2-3 लोग को लेके आया, और आते ही सुनने इनको विनोद को और मनोज को चाकू मारे। विनोद को 2-3 चाकू लगे, ब्लड बहुत बह गया। जब तक 108 से उसको हॉस्पिटल भेजा, एमबी जाते जाते ख़त्म हो गया।